हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एजुसेट टेलीकास्ट की आज की प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ आपकी अध्यापिका मोनिका, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सेक्टर 15 पंचकुला से। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ। और क्या है ये विषय? ये है एक मजेदार कहानी। आपकी कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ नंबर 4। और क्या है इस पाठ का नाम? इस पाठ का नाम है गुब्बारे पर चीता। अब सुन के आपको अजीब सा लगा होगा, क्योंकि गुब्बारा तो छोटा सा होता है। क्या आपने गुब्बारे देखे हैं? देखिए, मेरे हाथ में भी एक बलून है, एक गुब्बारा है। हम अपने बर्थडे पे, जन्मदिन पे या अन्य किसी त्योहार पर इसको लगा के अपना घर सजाते हैं। लेकिन गुब्बारे पर चीता कैसे चला गया? ये जानने के लिए तो आपको ये मजेदार कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी में एक प्यारा सा लड़का है जिसका नाम है बलदेव। और बलदेव जो है वो कहाँ गया है? वो गया है सर्कस देखने। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या लिखा हुआ है। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा था। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललसा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, पर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा ही आकर्षक था, आ गया है, आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बंबई सर्कस आ गया है। तो जब आपके यहाँ आसपास कोई सर्कस आता है या कोई और चीज आती है, मेला लगता है, तो ऐसे इश्तिहार लगे होते हैं ना, वैसे ही बलदेव के शहर में भी लगे थे। चलिए, उनके हेडमास्टर ने तो उनको जाने से मना कर दिया, तो अब देखते हैं उन्होंने क्या किया। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताब खोलकर जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे, तोता बंदूक कैसे छोड़ेगा, और वनमानुष बाबू बनकर मेज पर कैसे बैठेगा? कौन सोच रहे थे? ये कक्षा के सभी लड़के सोच रहे थे, क्योंकि वो तो सर्कस में जाना चाहते थे, तो उनका मन ललचा रहा था। सोच रहे थे कि क्या क्या चीजें होंगी सर्कस में। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कापी में शेर की तस्वीर बना रहा था। हिसाब की कापी कौन सी होती है? जिसको आप गणित की नोटबुक बोलते हो, गणित की कॉपी को हिसाब बोल रहे हैं। और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मन आ रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागू। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकलाया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया।
मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। शनिवार को और लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए 10 रुपए की टिकट खरीदी और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव के मन में बहुत झुलझुलाहट पैदा हुई। यह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया का बुखार आ गया है। वह भला क्या 20 हाथ उछलेगा, और यह सुंदरबन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। अब ये बातें कौन कर रहा है? ये बलदेव कर रहा है जानवरों को देखकर खुद से। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, भालू है या सुअर, और वह भी जैसे मौत के चंगुल से निकलकर भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर वह बड़े जोर से हंसा। उसकी 1 टांग किसने काट दी? दुम कटे कुत्ते तो सुने थे, देखे थे, लेकिन पैर कटा कुत्ता? और यह दौड़ेगा कैसे? ये तो आज ही देखा। ये कौन सोच रहा है? बलदेव। उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर वह नाहक ही यहां आया, 10 रुपए भी गवाए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया, बड़ा सा गुब्बारा। क्या आपने भी देखा है? उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 पैसे में आसमान की सैर करो। क्या कह रहा था? आओ चले आओ, 4 पैसे में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक से उसे शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप गया। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। क्या हुआ तमाशा? चलिए अभी पढ़ते हैं। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे को की रस्सी पकड़े हुआ था, वह चीते की को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। ये क्या, चीता भी शायद उसको पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। अब गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उड़ गया। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचाने के लिए बोल रहे थे। उसको बचाने के अलग अलग उपाय लोग बता रहे थे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे, क्योंकि वो तो संकट में था ना। उसको तो मुश्किल हो गई थी। अब चीता भी उसको खा सकता था और वो गुब्बारे में ऊपर भी उड़ रहा था, तो उसकी तो जान पहले ही आफत में पड़ी हुई थी। अब वो लोगों की क्या सुनेगा? चलिए आगे देखते हैं। जो जो गुब्बारा ऊपर उड़ता जाता था, चीते की जान निकलती जाती थी। अब बलदेव अकेला परेशान थोड़े था, चीता भी तो गुब्बारे पे था ना। तो अब चीते को भी तो डर लग रहा था, क्योंकि वो कभी उड़ा नहीं होगा ना। तो चीता क्या सोच रहा था कि मैं कैसे ऊपर आ गया? उसकी समझ में न आ रहा था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जा रहा है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता का अर्थ पता है आपको? यानी कि खा जाता।
मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। कौन? चीता। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तो बलदेव को चीते का डर न था, क्योंकि चीता तो गिर गया और चीता मर गया। अब कौन बचा? अब तो केवल बलदेव बचा। किस पर? गुब्बारे पर। और गुब्बारा तो ऊपर हवा में उड़ता ही जा रहा था। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जा रहा है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। कौन? बलदेव। ऊपर से उसने नीचे के आदमी देखे तो कैसे लगे? खिलौनों से और घर घरोंदों से। मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। किसे? घंटा घर की मीनार से। एकाएक उसे एक बात याद आई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है। मगर उसे यह नहीं मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम से उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से नीचे गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊपर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर बाहर निकल आया। तो आपने पढ़ी ये कहानी? कैसी लगी? अच्छी लगी? इस कहानी में आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या आपने ध्यान दिया? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो हमारे बड़े होते हैं, माता पिता या अध्यापक, हमें उनकी बात को मानना चाहिए। क्योंकि बलदेव ने अपने हेडमास्टर की बात नहीं मानी, अकेले चला गया। अकेले जाने पर उसे और अधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। शायद बाग तो तब भी खुल जाता जब वो साथ जाते, लेकिन तब उनके हेडमास्टर और बच्चे उसके साथ होते तो वो इस मुसीबत से उसे बचा सकते थे। तो आप भी चुपके चुपके कोई काम ना करें, अपने से बड़ों की बात माने। और ये मजेदार सी कहानी किसने लिखी है, क्या आप जानते हैं? ये लिखी है महान और प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो मुझे जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अब हम करेंगे इस कहानी का अभ्यास। तो चलिए अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अभ्यास। अभ्यास में है सबसे पहले आइए शब्दों के अर्थ जाने। यहाँ पे आपको पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। सबसे पहले है अलबत्ता, बेशक, निसंदेह। अलबत्ता का अर्थ क्या होता है? बेशक या निसंदेह। अगला है आकर्षक, आकर्षित करने वाला या सुंदर। आगे है इश्तेहार यानी कि विज्ञापन। आगे देखते हैं झुलझुलाना, चिड़चिड़ाना या क्रोधित होना। दुम कटे, पूछ कटे हुए। नाहक, बेकार में। आगे है बेतहाशा, बिना इधर उधर देखे हुए तेजी से। वनमानुष, चिंपांजी। हुकुम, आदेश। तो ये कुछ शब्द थे जिनके अर्थ आपके अभ्यास में दिए गए हैं। आगे चलते हैं अगली गतिविधि की ओर। ये है कहानी से। कहानी से अभिप्राय है कि इसके अंदर जो भी
प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसके हल आपको कहानी के अनुसार देने हैं। अगर आपने ध्यान पूर्वक कहानी को पढ़ा है तो आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अच्छे से आते होंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है प्रश्न। लड़के अपने सामने किताब खोलकर क्या चर्चा कर रहे थे? आपने पढ़ा था ना कहानी में, आरंभ में ही कक्षा में बैठ के बच्चे बातें कर रहे थे किताब खोल के, बस वही बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए देखते हैं उत्तर। लड़के अपने सामने किताब खोलकर सर्कस के जानवरों की चर्चा कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि शेर और बकरी एक ही बर्तन में पानी कैसे पिएंगे, हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा, तोता बंदूक कैसे छोड़ेगा, वन मानुष बाबू बनकर मेज पर कैसे बैठेगा। आपको उत्तर समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों हुआ? आप जानते हो ना, कहानी ध्यान से पढ़ी थी, बलदेव को अफसोस हुआ था ना कि वो आ गया किसमें, सर्कस में। तो क्यों हुआ था वही आपको लिखना है। चलिए लिखते हैं अपना उत्तर। सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस इसलिए हुआ कि उसने सर्कस के बारे में जैसा सोचा था वैसा देखने को नहीं मिला। सर्कस का शेर मरियल सा था, भालू सुअर जैसा लग रहा था, बाघ मुर्दे की तरह पड़ा था, कुत्ते की एक टांग नहीं थी। इसलिए बलदेव को क्या हुआ, अफसोस हुआ सर्कस में आके। चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया, बताइए आप जरा। चलिए लिखते हैं इसका उत्तर। जो जो गुब्बारा ऊपर उठता जा रहा था त्यों तो चीते की जान निकली जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन उसे आसमान की ओर ले जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी, इसलिए चीते ने बलदेव को चट नहीं किया, अर्थात नहीं मारा, क्योंकि वो तो अपनी जान बचाने की सोच रहा था ना, तो उसको याद ही नहीं रहा कि वो तो गुब्बारे पर बलदेव को खाने के लिए चढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक कौन सी बात याद आई, सोचिए जरा कौन सी बात याद आ गई थी बलदेव को। गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक याद आया कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस बाहर निकल जाती है, इससे गुब्बारा नीचे उतर आता है। यह सोचकर उसने गुब्बारे का मुंह खोल दिया। आगे देखते हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा क्यों भागा? गुब्बारे वाले द्वारा रस्सी छोड़कर भाग जाने का मुख्य कारण चीता था। चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा चला रहा था। चीते को अपनी तरफ आता हुआ देखकर गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा भागा। और यहीं पर समाप्त होते हैं आपके कहानी से प्रश्न। आगे हम देखते हैं कि अगला विषय हमारा क्या है। अगला विषय है आपकी बात। आपकी बात के अंदर आपसे फिर से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आपको जो उत्तर है वो अपने अनुसार देने होते हैं। ये सभी बच्चों के उत्तर अलग हो सकते हैं, ये मौखिक प्रश्न है, इसे आपके अध्यापक अध्यापिका आपसे कक्षा में भी पूछ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है। बलदेव सोच रहा था कि कल शनिवार न होकर इतवार होता तो कैसा मजा आता। आपके विचार से कल रविवार होता तो बलदेव को मजा क्यों आता, जरा सोच के बताइए मुझे। क्योंकि ये सभी के उत्तर अलग हैं,
तो आपको अपने विचार यहाँ पर प्रकट करने हैं। आप मेरे विचार भी सुन सकते हैं कि मुझे क्या लगता है कि बलदेव ऐसा क्यों सोच रहा था। इतवार, जिसको रविवार भी बोलते हैं, को विद्यालय की छुट्टी होती है और वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस दिन सर्कस देखने जा सकता था, क्योंकि शनिवार को छुट्टी देने से हेडमास्टर जी ने मना कर दिया था और बलदेव को जल्दी से सर्कस देखना था। इसलिए वह सोच रहा था कि कल शनिवार न होकर इतवार होता तो बड़ा मजा आता। मुझे तो यही कारण लग रहा है। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपके विचारों का यहाँ पर स्वागत है। चलिए आगे देखते हैं। बलदेव चुपके से सर्कस देखने चला गया था। आप कौन कौन से काम चुपके से करते हैं? तो प्यारे बच्चों, वैसे हमें अपने बड़ों से, अपने मम्मी पापा से छुपके कोई भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं, शरारती हैं, नटखट हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप जरूर करते ही हैं। चाहे बाद में आप अपनी मम्मी को या अपने घर वालों को बता देते हैं, लेकिन करते हैं ना। जैसे मम्मी फ्रिज से पानी पीने के लिए मना करती है और आप मम्मी के पीछे से चुपके से पानी पी लेते हो, या मम्मी ज्यादा फोन यूज करने से मना करती है, आप चुपके से फोन देखते हो ना, वही सब बातें आपको लिखनी है कि आप चुपके चुपके कौन से काम करते हो। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्या आप कभी सर्कस या कोई मेला देखने गए हैं? यदि हाँ तो आपको वहाँ कौन कौन से खेल पसंद आए हैं? प्यारे बच्चों, ये उत्तर भी आपका समय का उत्तर है। जो बच्चे देखने गए हैं वो लिखेंगे हाँ, जो बच्चे नहीं गए हैं वो उत्तर लिखेंगे नहीं। जो गए हैं उन्होंने देखा है तो आपको बताना है कि आपको वहाँ पर अच्छा क्या लगा। जैसे मैं कई बार मेला देखने गई हूँ और मैं अपने बचपन में स्कूल की तरफ से सर्कस भी देखने गई थी। उसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था वो जिसमें जो बंदर है वो बॉल उछालता है एक के बाद एक, और वो हवा में रस्सियों पे जो करतब करते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। जबकि मेले में जब मैं जाती हूँ तो मुझे झूले बहुत ही पसंद आते हैं। ऐसे ही आपको जो अच्छा लगता है आपको वही अपना उत्तर देना है। आगे देखते हैं। पक्षी जैसे आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बलदेव गुब्बारे पर बैठकर आकाश में उड़ा। आप भी बलदेव की तरह आकाश में उड़ना पसंद करोगे? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? आपको पिक्चर में बलदेव दिखाई दे रहा है गुब्बारे पे, लेकिन उसके साथ तो चीता भी है। वो तो अपनी जान बचा रहे हैं दोनों, लेकिन क्या वास्तव में भी आप आकाश में उड़ना चाहते हो? मैं तो उड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पक्षियों की तरह उड़ना बहुत पसंद है। लेकिन मैं हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में बैठ के उड़ना चाहती हूँ, ऐसे नहीं। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, अगर नहीं तो भी कारण बताइएगा कि आप क्यों नहीं उड़ना चाहते। यहीं पे हमारा ये विषय भी समाप्त होता है। कौन सा? आपकी बात। अब इससे आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में हम व्याकरण से संबंधित समस्याओं को हल करते हैं तथा व्याकरण की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात। तोता बंदूक छोड़ेगा, वाक्य में तोता करता है तथा बंदूक कर्म है। कुछ अन्य वाक्य लिखकर कर्ता को रेखांकित करें, वह कर्म को गोला लगाएं। उससे पहले जानते हैं हम कि कर्ता कौन होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। अब कर्म कौन है?
वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार या चेष्टा का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो अब आप पहचान पाओगे ना कि कौन करता है और कौन कर्म। चलिए देखते हैं कुछ वाक्य और मिलके छाटते हैं उसमें कर्ता और कर्म। बलदेव सर्कस देखेगा, भिखारी भीख मांगता है, बच्चे आम खाते हैं, शिकारी शिकार करेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले वाक्य में बलदेव सर्कस देखेगा। बलदेव कौन है? बलदेव है कर्ता। और कर्म क्या है? सर्कस। अगला है, भिखारी भीख मांगता है। कौन है कर्ता? भिखारी। और क्या कर्म कर रहा है? भीख मांग रहा है, तो भीख क्या हो गई? कर्म। बच्चे आम खाते हैं। बच्चे क्या है? कर्ता। क्या खाते हैं? आम। तो आम हुआ कर्म। शिकारी क्या है? कर्ता। और शिकार कर्म। हमने प्रश्न अनुसार बलदेव जो करता है उनको अंडरलाइन रेखांकित किया है और कर्म को गोले के अंदर लिखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली गतिविधि देखते हैं। बलदेव अकेला पड़ गया था, मगर वह बड़ा हठी था। बलदेव संज्ञा शब्द है। वह शब्द बलदेव के लिए आया है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ही और सर्वनाम शब्द पाठ से ढूंढकर लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और अब हमें पाठ में सर्वनाम वाले वाक्यों को छाट के सर्वनाम की पहचान करनी है। चलिए देखते हैं। मैं तो जरूर जाऊंगा। इसमें मैं किसके स्थान पर आया है? बलदेव के स्थान पर। मैं क्या है? सर्वनाम। मगर वह बड़ा जिद्दी था। वह सर्वनाम है। नंबर 3, किसी ने इसका खून चूस लिया। इसका किस लिए प्रयोग हुआ है? शेर के लिए ना। तो इसका क्या है? सर्वनाम। रस्सी छोड़ते ही वह ऊपर उड़ गया। कौन? गुब्बारा। तो वह क्या है? सर्वनाम। देखिए, मैंने जो भी सर्वनाम है वाक्य में उसको रेखांकित कर दिया है। पहले वाक्य में मैं, फिर वह, फिर इसका और फिर वह। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं। उसके हाथ पाँव फूल गए। उसके क्या है? सर्वनाम। महीनों से इसे मलेरिया हुआ है। किसे? इसे। इसे शब्द क्या है? सर्वनाम। उसकी एक टांग किसने काट दी? किसने? और उसकी दोनों ही क्या है? सर्वनाम। उसने नीचे की तरफ देखा। किसने? चीते ने। तो उसने भी सर्वनाम है। आप देख सकते हैं, मैंने इनको रेखांकित कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगली गतिविधि है, बेतहाशा शब्द में बे उपसर्ग लगा है। निम्नलिखित उपसर्ग की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। यहाँ आपको उपसर्ग से शब्द बनाने हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। मैं एक बार दोबारा दोहराती हूँ। उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। चलिए
अब बनाते हैं उपसर्ग लगाकर नए शब्द। शब्दांश से वाक्य। सबसे पहले है सुफल, सुकरम, सुरक्षा, सुगम। मैंने चार जो है शब्द सु शब्दांश से उपसर्ग से बनाए हैं। आप इनसे अलग भी बना सकते हैं। अगला है उप। उप से उपदेश, उपकार, उपवास, उपनाम। अगला है परी। परिचालक, परित्याग, परिवेश, परिकल्पना। आगे कौन सा दिया है? पर। परदेश, प्रचार, प्रबल, प्रसार। आगे है आपका दुर। दुराचार, दुरुपयोग। तो प्यारे बच्चों, आपको ऐसे ही उपसर्ग से नए शब्द बनाने हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे लिए क्या गतिविधि है। आगे है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करके लिखें। बच्चों, आपने पाठ में बहुत से मुहावरे सुने होंगे। अब हम उन मुहावरों के अर्थ जानेंगे और उनको वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा मुहावरा है। दिल में बात बैठ गई। इसका अर्थ होगा ठान लेना। दिल में बात बैठ गई यानी कि ठान लेना। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। आप मुझसे अलग भी इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लिखा है। राम के दिल में बात बैठ गई कि उसे बड़े होकर अध्यापक ही बनना है। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। खून चूस लिया, बुरी तरह तंग करना। क्या होता है खून चूस लिया का अर्थ? बुरी तरह तंग करना। वाक्य, मालिक ने नौकर का खून चूस लिया है। अगला मुहावरा, दिल कांप उठा, बुरी तरह से डर जाना। क्या है दिल कांप जाना का अर्थ? बुरी तरह से डर जाना। वाक्यांश, सड़क दुर्घटना देखकर मेरा दिल कांप उठा। आगे देखते हैं, हाथ पांव फूल गए। इस मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह से घबरा गए। वाक्य में प्रयोग, चीते को देखकर बलदेव के हाथ पैर फूल गए। आप कुछ अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। अगला है होश उड़ गए। होश उड़ गए मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह से घबरा जाना। वाक्य, चीते को देखकर गुब्बारे वाले के होश उड़ गए। मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी मुहावरों के अर्थ अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप भी इनका वाक्य में प्रयोग करके अभ्यास करें। आज की प्रस्तुति देखें।